could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days searching for your praise, but is it even there to find? सो वेलकम गाइस, आपका स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल में जिसका नाम मुसाफिर शो है, एज यू ऑल नो। और आज मैं जा रहा हूँ जॉर्ज एवरेस्ट। जो ये लोकेशन देखिए आप, यहाँ से आना है ऊपर से, हमें यहाँ गाड़ी पार्क करनी है और फिर हमें यहाँ से पैदल जाना है 2 किलोमीटर ऊपर ट्रेकिंग पे। सो चलते रहिए, मैं आपको रास्ते के व्यूज़ दिखाता हूँ। तो जैसे ही हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ऐसे ऐसे आपको व्यूज़ मिलेंगे और ये सारे पार्क वगैरह। दीज आर द माउंटेन डॉग्स, बड़े ख़तरनाक होते हैं। आओ अंदर बैठते हैं। सो आपको अगर चाय पानी पीना हो तो यहाँ पे आइए। दिस इज़ नाइस प्लेस और ब्यूटीफुल प्लेस। I think this is private property as well. So guys, यहाँ पे आके आप you can relax yourself with a coffee or hot chocolate. Because अभी 200 मीटर का और रन है हमारा ट्रेकिंग का, उसके ऊपर और जाना है अगर तो फिर आधे घंटे का और रन है। सो आई थिंक देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है। सर हमारी कॉफ़ी लेके आए हैं। इट्स लुक अमेजिंग, लेट्स सी हाउ इज द टेस्ट। मैं शुगर वगैरह नहीं डालता हूँ फिर भी, तो मैंने ये सिर्फ दिखाने के लिए उठाया है और इसको वापस रख के ऐसे ही पीने वाला हूँ। बिकॉज कॉफ़ी का जो मज़ा है ना विदाउट शुगर ही है, विदाउट शुगर है। आई या फिर आप ब्राउन शुगर ले सकते हो और इसमें ब्राउन शुगर नहीं है, सो इसलिए आई विल नॉट ऐड शुगर, आई विल ड्रिंक ओनली दिस कॉफ़ी। सो आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं आपको। इसका मैं एम्बियंस दिखा देता हूँ आपको, देखिए आप थोड़ा। रीस्ट एट जॉर्ज एवरेस्ट। तो मैं आपको इसकी कुछ हिस्ट्री वगैरह बताता हूँ। अभी फ़िलहाल आप व्यू देखिए इसका। तो ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं गाइस, दिस इज़ जॉर्ज, सर जॉर्ज की बिल्डिंग है। अभी फ़िलहाल इसके अंदर वी कैन नॉट एंटर विद द
बिकॉज ये एक म्यूज़ियम के तौर पे बना दिया गया है। सो मैं इसकी हिस्ट्री भी आपको बताऊंगा। फ़िलहाल यू कैन व्यू द प्लेस, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, लुक एट द व्यू गाइस। सो गाइस, हम 200 मीटर कैफे से ऊपर आके जॉर्ज एवरेस्ट के जो मकबरा है वहाँ पे आ गए हैं खंडर में। दिस इज़ नाउ म्यूज़ियम, मैं आपको दिखाता हूँ म्यूज़ियम। बट आप मेरे पीछे व्यूज़ भी देख रहे हैं, कितना प्यारा व्यू है। ये है वो म्यूज़ियम। सो द हिस्ट्री इज़ के सर जॉर्ज जो थे वो यहाँ पे रहते थे आके, ताकि वो गंगा यमुना का जोड़ देख सकें ऊपर जाके वहाँ पे। अभी ट्रैकिंग है ऊपर 30 मिनट्स की, तो वहाँ भी अभी जाएंगे, कोशिश करेंगे अगर हिम्मत बची तो अंदर। तो कहने का मतलब ये कि इंडिया का मैप जो डिज़ाइन हुआ है वो यहीं से डिज़ाइन हुआ है। बहुत बड़े जियोलॉजिस्ट थे, जब उनकी डेथ हो गई तो एक खंडर हो गया था। अभी नाउ इट इज़ रिकन्स्ट्रक्टेड और व्यू देख ही रहे हैं आप। सो यहाँ पे आने के मज़े हैं, मतलब पैसा वसूल है यहाँ पे आके। तो लेट्स सी कि आगे चल पाते कि नहीं चल पाते, फिर आगे चल के मैं आपको दिखाऊं। यहाँ से आप पूरा देहरादून देख सकते हो गाइस। वो नीचे देहरादून है एंड दिस इज पीक, वो बादल के अंदर है पूरा। सो गाइस, मैं अपना ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, बिकॉज ये छोटा सा जर्नी थी मेरी, मतलब मैं बस वीकेंड के लिए ही यहीं पे आया था। एंड आई होप आपको पसंद आई होगी लोकेशन और वीडियो जो मैंने आपको व्यूज़ दिखाए हैं। सो गाइस, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल अगेन। इट्स यू मुसाफिर शोएब, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और आगे भी रहेगी। कीप सपोर्टिंग एंड आई विल मेक मोर वीडियोज़ लाइक दिस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।